हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीके विद सुंदर में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बिहार के मधुबनी चित्रकारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, बिहार के मधुबनी चित्रकारी को मिथिला चित्रकारी के नाम से जाना जाता है, मिथिला चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2020 में पूछे गए हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों साइट्रिक अम्ल, सेकेंड टार्ट्रिक अम्ल, थर्ड है मैलिक अम्ल और फोर्थ एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों, आप लोग भी गेस लगाइए कि मतलब इसमें से कौन सा आंसर, मतलब अम्ल ऐसा है जो नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग के टाइम देते हैं 5 सेकेंड, सोच लीजिए, उसके बाद ही आंसर कीजिए आप लोग। तो दोस्तों, हमें लगता है कि आप लोग सोच लिए होंगे। तो इसका आंसर है दोस्तों एसिटिक अम्ल। इसका एसिटिक अम्ल जो है अंगूर में नहीं पाया जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एसएससी सीजीएल में ये भी पूछे गए हैं, तानसेन समारोह किस शहर में आयोजित किए जाते हैं? तो तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ग्वालियर में कहाँ आयोजित किए जाते हैं? तो उस्ताद अल्लाह खान एकेडमी में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, ये भी पूछा हुआ है कि किस एकेडमी में आयोजित किए जाते हैं? तो उस्ताद अल्लाह खान एकेडमी में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी सीजीएल का ये भी क्वेश्चन है, अंबुबासी मेला किस राज्य में आयोजित किए जाते हैं? तो अंबुबासी मेला ये असम में आयोजित किया जाते हैं, वो कामाख्या टेम्पल में, जो कामाख्या टेम्पल है वहाँ पे आयोजित किया जाता है। कामाख्या टेम्पल दोस्तों गुवाहाटी में ये पड़ता है, और इसमें आप लोग के जहाँ पता होगा कि इसमें मतलब देवी के खंडपीठ जो पार्वती के गिरा था, एक योनि का मतलब इसमें पूजा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग के सामने 5th क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग कहाँ है? तो ये चीन में है दोस्तों, ग्रैंड नहर इसका नाम है, चीन में है ग्रैंड नहर, ग्रैंड नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चमड़ा का सिक्का इतिहास में किसने चलवाया था? तो चमड़ा का सिक्का दोस्तों बादशाह भिश्ती निजाम ने चलवाया था, जो कि एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए बादशाह दिल्ली का ये बना था, क्योंकि जब हुमायूं और शेर खान के बीच मतलब लड़ाई युद्ध हो रहा था चौसा के युद्ध में, तो उसमें जान शेर हुमायूं का बचाया था भिश्ती निजाम। तो 1555 में जब वापस आया, मतलब उसका जब सत्ता हाथ में आया हुमायूं के, तो वो मतलब भिश्ती निजाम को एक दिन के लिए खोज के और दिल्ली का शासक बना, तो भिश्ती निजाम ने सोचा कि हम ऐसा क्या करें जो हमें इतिहास याद रखेगा, तो उसने चमड़ा का सिक्का दोस्तों एक चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7, भारत का निम्नतम बिंदु जो समुद्र तल से 2.2 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो ये दोस्तों केरल में पड़ता है, कुटुनाड जगह का है, जो 2.2 सबसे न्यूनतम बिंदु माना गया है भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक बार लोकसभा सीट जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो सबसे अधिक बार लोकसभा सीट जीतने का रिकॉर्ड है इंद्रजीत गुप्ता, ये भी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इंद्रजीत गुप्ता जो कलकत्ता का रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शीशा का सिक्का किसने चलवाया था? शीशा, सॉरी सर दोस्तों, सिक्का नहीं, शीशा का सिक्का, तो ये सातवाहन वंश ने चलवाया था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सबके पहले से ही पता होगा दोस्तों। एक मिनट माफी चाहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10th नंबर, NEFT जो CHSL 2019 में पूछा गया, NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NEFT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार पुलिस में पूछा गया 2020 में कि राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो राष्ट्र संघ दोस्तों 10 जनवरी 1920 को आया था। आप लोग के पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, इसके बाद मतलब उसके बाद ये राष्ट्र संघ मतलब आया था अस्तित्व में। इसी तरह दोस्तों सेकेंड विश्व युद्ध वर्ल्ड वार हुआ था, उस समय यूएनओ का स्थापना 1945 में हुआ था। ये दो क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि फर्स्ट युद्ध जो हुआ था, प्रथम वर्ल्ड वार, तो उसमें मतलब क्या उसके बाद आया था, तो राष्ट्रसंघ, और सेकेंड वाला पूछेगा तो उसके बाद यूएनओ का स्थापना हुआ था 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार पुलिस में पूछेगा ये भी, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति, सॉरी दोस्तों मैं छूट गया है,
इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कब हुआ था? तो ये 1688 से 89 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीएचएसएल 2019 में ये भी पूछा गया है, भारत एवं एशिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, भारत एवं एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये दोस्तों पटना में ही खुला है और बिहार में है, पहला है भारत का और एशिया का भी पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर, दिल्ली के किस शासक ने कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? तो ये दोस्तों बोला था अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिका अर्जुन मंदिर किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के श्री सेलम में दोस्तों पड़ता है। बहुत है ऐसे, आप लोग के और भी पता होगा, जो एक ज्योतिर्लिंग और है गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, झारखंड में है देवघर, ये भी फेमस मंदिर है। इसी तरह वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है दोस्तों, इससे उज्जैन में है महाकालेश्वर महाकाल मंदिर है, ये सब दोस्तों इसी तरह 12 मतलब पड़ जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है 16 नंबर, दिल्ली इज नॉट फार के पुस्तक के लेखक कौन है? ये दोस्तों रस्किन बॉन्ड है, दिल्ली इज नॉट फार के रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम्पी कोनेरू किस खेल से संबंधित है? हम्पी कोनेरू ये रहने वाले आंध्र प्रदेश के हैं और जो लेडीज़ हैं और शतरंज बहुत ही अच्छे खेलते हैं, इनको बहुत से अवार्ड भी मिले। NTPC 2016 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आप लोग ने भी बहुत सुना है या मतलब गाया भी होगा, पोएम है ये, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखा था? तो ये दोनों भाई बहन थे, जॉन टेलर और एनी टेलर ने 1806 में लिखा था इसको, जो नर्सरी का राइम भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RRB ग्रुप डी में पूछा गया है, राजनीति के उस पार पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आप जानते हैं कि हम लोग के बहुत ही राजनीतिक में इनका अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही मतलब माननीय थे, ये PM बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था राजनीति के उस पार पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अटाला मस्जिद, ये UPPCS में पूछा गया है क्वेश्चन, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? ये दोस्तों जौनपुर में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अटाला मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर, चीन के साथ सबसे लंबा सीमा भारत का कौन सा राज्य बनाता है? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा मेरा प्रयास था, आप लोग के अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी और भी आगे वीडियो बनाने लगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।